हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अबीर, यू आर टेक्निकल एनालिस्ट एट केएसबी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। द नेक्स्ट सेक्टर इन रिव्यू इज पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, ईमेल्स आ रही थी कि सर कैपको हबको इनके ऊपर जो है वो अपने एनालिसिस दे दें। तो देखिए, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेक्टर इन रिव्यूज हैं वो निकालूँ, बट उसके पीछे फंडामेंटल चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें सेटअप करने में ऑब्वियसली टेक्स टाइम। इस वक्त बात कर लें पावर सेक्टर की, तो ऑब्वियसली एक मेजर जो है इशू की हम बात करेंगे, जो कि हमारे पास से काफ़ी टाइम से जो है वो एक कंसर्न है पावर सेक्टर के लिए, एंड देर इज़ जो हमारे पास सर्कुलर डेप्थ का जो इशू है उसका सबसे बड़ा हमारे पास जो इम्पैक्ट है वो सेक्टर पे सबसे ज़्यादा है, और काफ़ी टाइम से है। बैक इन 2010 से पहले से ही जो है ये इशूज़ जो है सर्कुलर डेप्थ के इस सेक्टर के चल रहे हैं, पावर सेक्टर्स के कंपनीज के, क्योंकि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए, और इसकी वजह से एक जो कंटिन्यूटी है डिक्लाइन की हमने देखी इन कंपनीज के शेयर प्राइस में भी, और जो मोमेंटम है उसको भी हमने टूटते हुए देखा। अभी रिसेंटली दे अनाउंस्ड, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ऑन द इन द मंथ ऑफ जनवरी के जो सर्कुलर डेप्थ है उसकी पेमेंट वगैरह है वो पार्शल बेसिस पे जो है आई बी पीस को जो उनके ड्यूज हैं वो सेटलमेंट करेंगे उनकी, और हम देख सकते हैं कि द गवर्नमेंट प्लान टू सेटल द आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ आई पी पीज अमाउंटिंग टू ₹450 बिलियन। बहुत बड़ी अमाउंट है, और बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो हम देख सकते हैं कि जो अगर हम पीज की हिस्ट्री की बात करें, और सर्कुलर डेप्थ बेसिकली है क्या थोड़ी सी उसकी मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन दे दूँ। डेप्थ हमें पता है कर्जा होता है, और कर्जे होते हैं उधार होता है एक तरीके से, और उधार ले लेके जाहिर सी बात है जो सेक्टर की इस हालत हुई है हमारे सामने। इस बात कर लें सर्कुलर डेप्थ की, तो हम देख सकते हैं 480 मिलियन डेप्थ वॉज रिकॉर्डेड बैक इन 2013 ऑफ द पावर सेक्टर। 2013 में 480 मिलियन की जो डेप्थ है, जो कर्जे हैं वो रिकॉर्ड किए गए थे। उसके बाद से अभी अगर हम करंट सर्कुलर डेप्थ की बात करें तो वो है 450 बिलियन एज ऑफ करंट 2021 की अगर हम बात करें, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और 10 साल होने को आ रहे हैं, 10, 11, 12 साल होने को आ रहे हैं, ये डेप्थ जो कर्जे हैं हमारे पास बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बट फाइनली जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि इस डेप्थ के इश्यूज़ को ख़त्म करें। बेसिकली है क्या प्रॉब्लम, क्या है, तो हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है, एवरी वन इन आर एनर्जी सेक्टर सप्लाई चेन ओज एवरी वन एल्स मनी। इस लूप में, सर्कल में जितने जो कॉन्स्टिट्यूंट्स और जितने इंस्टीट्यूशन वगैरह सब आते हैं, उन सबका इसमें डेप्ट की इंक्रीज में किरदार है। गवर्नमेंट को हम देख सकते हैं, गवर्नमेंट और जो कंज्यूमर वो जो है वो पावर जनरेशन जो कंपनीज हैं, जिसमें जिस तरह मैंने इसमें लिखा हुआ भी है कि इशू परसिस्ट ड्यू टू द फैक्ट दैट गवर्नमेंट प्लस कंज्यूमर डिडंट पे टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। गवर्नमेंट और कंज्यूमर, अब हम होता है कि हम बिल देख के, बहुत सारी हमारी मेजोरिटी कम्युनिटी है जो पेमेंट नहीं करती, बिल्स नहीं देती अपने टाइमली, तो जाहिर सी बात है वो कंपनीज को उसके ऊपर लॉस होता है, गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ें जो उसमें पेमेंट नहीं करती, उससे होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको पेमेंट नहीं मिलती, और जो आगे वो फेल टू पे द पावर जनरेशन कंपनी, जो पावर जनरेट करती हैं और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उनको जो है वो पेमेंट करने में नाकाम रहती हैं, इसी वजह से हु इन रिटर्न फेल टू पे द फ्यूल कंपनीज। पावर जनरेशन कंपनी जो हैं वो जो फ्यूल कंपनीज हैं जो फ्यूल लेकर आती हैं, फ्यूल जनरेट करती हैं, उनको पेमेंट करने में जो है उनको मुश्किल होती है। इसी तरह द फ्यूल कंपनीज हु कुडंट अफोर्ड टू इम्पोर्ट मोर ऑयल, जो जाहिर सी बात है जिनका फ्यूल इम्पोर्ट का काम है, अगर उनके उनको पैसे ही नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है वो मजीद ऑयल बाहर से किस तरह इम्पोर्ट करेंगे, और हमें पता है कि इस वक्त जो ऑयल है वो उसकी भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है इंक्रीज हमने देखा, और हमें ऑयल जो है इसलिए पड़ता है कि हमारे PKR की जो डेप्रिसिएशन थी, जो हमारे अपने पाकिस्तानी करेंसी की जो डेप्रिसिएशन थी वो हमने देखी, और रुपये की कदर कम होते हुए देखिए, इस वजह से हमें वो चीज़ महंगी पड़ी। अगर हमारा PKR ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता और USD और ज़्यादा डेप्रिशिएट कर देता, जिस तरह हमने पिछले 10 साल में देखा है कि उस 60-70 का डॉलर होता था, तो हमें बाहर से खरीदने में इतने मसले नहीं होते थे, बिकॉज डॉलर कम था, हमारा PKR बेहतर था। लेकिन अभी PKR हमारा जो है वो ज़्यादा डेप्रिशिएट कर चुका है, डॉलर हमारा सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम बाहर से जब ऑयल इम्पोर्ट करते हैं तो हमें चीज़ महंगी पड़ती है। तो ये जो लूप चल रहा है कंटिन्यूसली, ये गवर्नमेंट कंज्यूमर जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को नहीं देते, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पावर जनरेशन कंपनीज को पेमेंट नहीं कर पाती, इसी तरह उनके रिटर्न में पावर जो जनरेशन कंपनीज हैं वो फ्यूल जो यूटिलाइज करने वाली कंपनी उनको पेमेंट नहीं कर पाती, फ्यूल वाली कंपनी जो है वो इम्पोर्ट नहीं कर पाती। ये कंटिन्यूस एक साइकिल है जो चलती चली आ रही है, और इस ये है सर्कुलर डेप्ट
इशू हमारे पावर सेक्टर का। होपफुली ये जो छोटी सी एक्सप्लेनेशन है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लें कंपनीज के ऊपर, और कंपनीज के ऊपर अगर हम बात कर लें इस वक्त जिन पे हमने डिस्कशन करना है आज के दिन सेक्टर एंड रिव्यू में, तो उसमें ऑब्वियसली हमारे पास पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, के इलेक्ट्रिक, कैपको, हबको, पाकजन पावर, इसी तरह लालपीर देख सकते हैं, एंग्रो पावर, पावरजन कादीपुर, SPWL, NCPL, निषाद पावर्स, इनके हम डिस्कशन करते हैं फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों। सेक्टर वाइज बात करें तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी जो हैं वो टेक्निकलिटीज़ हैं जिनके ऊपर आप अपने एनालिसिस कर सकते हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसी तरह अगर टोटल सेल्स के हिसाब से देखें तो वो उस हिसाब से जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट मैं इस सेक्टर को जो मैं देखता हूँ वो अर्निंग पर शेयर्स के हिसाब से देखता हूँ, और जाहिर सी बात है प्रॉफिट मार्जिन भी काउंट होता है। सो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से ऑब्वियसली जो कैपको है उसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो काफ़ी अच्छी में नज़र आती है। हबको है 31.45 रुपीज़ के हिसाब से, सीरीज हिसाब से 11.86 पावर, पाकजन पावर है, निषाद पावर है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। बात कर लें सबसे पहले फंडामेंटल कंपनी की, तो हम देख सकते हैं एंग्रो पावरजन कादीपुर जो है इस वक्त शेयर प्राइस की है 23 रुपीज़ की, 5 ईयर का अगर हम हाई देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाई हम देख सकते हैं 35 रुपीज़ का, तकरीबन 37-38 रुपीज़ का 2017 में इसने हाई बनाया था। तो उस हिसाब से देखें तो इस वक्त जो है वो शेयर प्राइस काफ़ी जो है वो सस्ती, इस वक्त काफ़ी शेयर प्राइस जो है इसकी नीचे आती हुई हमें नज़र आती है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट हम देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ वगैरह भी कम नज़र आ रही है, सेल्स ग्रोथ भी कम है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो होता है वो अपना कैश आउट कर लेता है और फिर वॉल्यूम जनरेट नहीं होता है। हम देख सकते हैं कि अराउंड 1,93,000 के इसके अंदर वॉल्यूम है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी तरह अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पे बात कर लें तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली जो हमारे पास सेल्स ग्रोथ हैं वो भी कम होते हुए नज़र आती हैं, और इसी वजह से एक डिक्लाइन है जो शेयर प्राइस में हमें नज़र आता है। टेक्निकली अगर हम बात कर लें तो टेक्निकली हम बात कर लें तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप पहले देखेंगे, या आप जो वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं ये बेसिकली आपको नीचे जो डेट्स हैं हिस्टोरिकल वो मेंशन कर रहा है। और हम देख सकते हैं 25 जनवरी 2017 में 37 रुपीज़ का हाई बनाया, उसके बाद ये 200 डेज़ मूविंग एवरेज है, जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये 200 डेज़ मूविंग एवरेज है, विच इंडिकेट्स कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, अगर 200 डेज़ के ऊपर कैंडल क्लोजिंग आती रहती है इसका मतलब उसका ट्रेंड पॉजिटिव रहता है, जब उसके नीचे क्लोजिंग आना शुरू होती है जिस तरह हम यहाँ देख सकते हैं बैक इन 27 अगस्त 2018 से हमने देखा 33 रुपीज़ के बिलो जो है वो शेयर प्राइस आना शुरू हो गया, गिरते 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 हम देख सकते हैं कि इसने पे तकरीबन जो है वो 7 नवंबर को 23 रुपीज़ पे टच करके 200 डेज़ को टच किया, उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाई, लेकिन उसके बाद अगेन हमें पता है कि कोविड की वजह से जो क्रैश आया। सो राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग अबव 200 डेज मूविंग एवरेज, विच मीन्स के इसकी जो है वो अब रिकवरी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई है, एंड वी आर होपफुल कि आगे आने वाले टाइम के लिए जब तक ये 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता रहेगा इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा, और जो है वो ग्रोथ हमें इसकी नज़र आती है। सो ये जब तक मेजॉरिटी हम देख सकते हैं कि मेजॉरिटी कंपनीज जो है उनके जो शेयर प्राइस हैं वो 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही थी, विच इंडिकेटेड के इनका डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट रिसेंटली इन कंपनीज ने जो है वो रिकवरी दिखाना शुरू करी जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। निषाद चुनिया पावर की बात कर लें तो हम देख सकते हैं 15.70 रुपीज़ की जो है इसकी शेयर प्राइस की वैल्यूएशन है, हाइएस्ट अगर हम देखें 56 रुपीज़ का हुआ करता था 2017 में, और ऑब्वियसली इनके भी अगर हम ओवरव्यू इनके प्रोफाइल पर और इनके फाइनेंशियल्स पर नज़र डालें तो क्वार्टरली बेसिस पे हम डिक्लाइन देख सकते हैं, एनुअल बेसिस पे बात करें तो एनुअल बेसिस पे जो 12.54 रुपीज़ का रिटर्न है, लेकिन सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, नेगेटिव सेल्स ग्रोथ होने की वजह से ऑब्वियसली शेयर प्राइस में भी कमी आती है, प्रॉफिट मार्जिन जब कम होता है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर उसमें से एग्जिट ले लेता है। बात कर लें ऑब्वियसली NCPL के टेक्निकल की, तो NCPL मेजॉरिटी जितनी कंपनीज के आज हम बात करेंगे उनके तमाम टेक्निकल के जो मेजॉरिटी ट्रेंड है वो हम देख सकते हैं कि वो डाउनवर्ड ही रहा है, और जब से ऑब्वियसली 200 डेज के बिलो जब भी क्लोजिंग आती है किसी भी स्क्रिप्ट की वर्किंग की तो वो उसके बाद उसका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं 27 फेब जो है 2017 में 54 रुपीज़ की वैल्यूएशन थी, उसके बाद नीचे जब क्लोजिंग आना शुरू हुई तो हम सडन डिक्लाइन देख सकते हैं, और वो डिक्लाइन कंटिन्यूएशन हमने देखी एटलीस्ट 19 नवंबर 2019 तक 18 रुपीज़ के ऊपर फिर इसने क्लोजिंग दिखाई, लेकिन फिर ऑब्वियसली क्रैश के बाद 9 रुपये पे अवेलेबल था। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें सो इट इज़ ट्रेडिंग अबव
200 डेज मूविंग एवरेज, विच इंडिकेट्स के जो है इसका थोड़ा बहुत रिवाइवल है, लेकिन जब तक कंटिन्यूशन और क्लोजिंग इसकी डेली बेसिस पे 200 डेज मूविंग के ऊपर आती रहेगी तो पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा। अभी जो है वो टेस्ट कर रहा है अपना 200 डेज मूविंग एवरेज। सो ये 200 डेज का मूविंग एवरेज बहुत मायने रखता है आगे आने वाले टाइम के लिए, जो मेजर टाइम जोन होता है उसमें हमें बताता है कि स्क्रिप्ट जो है वो कब तक ऊपर रह सकता है। निशात पावर की बात कर लें तो निशात पावर की हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल इनके भी क्वार्टरली बेसिस पे डिक्लाइन हम देख सकते हैं, एनुअल बेसिस पे थोड़ा बेहतर रिजल्ट है, बट हम देख सकते हैं नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी कम हो रही है क्वार्टरली बेसिस पे, सेल्स ग्रोथ भी कम हुई जिसकी वजह से शेयर प्राइस का डिक्लाइन हम देख सकते हैं। 2017 में इसकी अगर हम बात करें तो 70 रुपीज़ तक का ये शेयर हुआ करता था और इस वक्त ये अवेलेबल है 23 रुपीज़ के हिसाब से। टेक्निकल की बात कर लें, देखिए सिमिलर सिचुएशन आपको नज़र आएंगी, आपको डेट्स नज़र आ रही हैं 2017 दिसंबर 2017 फिर 2019, तो 2017 से ऑब्वियसली अगेन 56 रुपीज़ के बिलो नीचे क्लोजिंग आना शुरू हुई, तो हम देख सकते हैं कि सडन डिक्लाइन हमने देखा, और रिसेंटली इट्स वेंट अप टू 32 रुपीज़, 200 डेज मूविंग एवरेज ऊपर गया, उसके बाद हमने दोबारा डिक्लाइन देखा कोविड की वजह से। एंड राइट नाउ अभी अगर हम इसकी बात करें तो हम देख सकते हैं कि दोबारा इसकी जो क्लोजिंग हमारे पास डेली बेसिस पे आना शुरू हो रही है वो 200 डेज के बिलो है, विच मींस कि इसका अभी भी जो है वो कंफर्म लॉन्ग ट्रेंड जो लॉन्ग टर्म जो है वो अप ट्रेंड इस वक्त अभी हमें नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह एक और कंपनी की बात कर लें, सैफ पावर, फंडामेंटल्स की बात कर लें तो फंडामेंटल में हम देख सकते हैं अगेन वही सर्कुलर डेप्थ की वजह से इशूज़ हैं कंपनीज के, ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो माइनस में जाते हुए क्वार्टरली बेसिस पे नज़र आते हैं, एनुअल बेसिस पे सेल्स ग्रोथ जो है वो गिरती हुई नज़र आती है, इसकी वजह से शेयर प्राइस हम देख सकते हैं इसकी भी अगर हम हाई की बात करें तो 2017 में 34-35 रुपीज़ का होता था, तो अभी 15 रुपये के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है। इसके भी अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में भी आपको इसमें भी सेम वर्किंग नज़र आएगी, कंटिन्यूस डिक्लाइन रहा है 30 रुपीज़ बिलो और उसके बाद जो है वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यूशन रही है। एंड रिसेंटली अभी भी अगर हम बात करें तो 200 डेज मूविंग एवरेज को दोबारा टेस्ट करने की कोशिश, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आना शुरू हो जाती है तो ऑब्वियसली आने वाले 200 डेज के लिए इसका भी मोमेंटम पॉजिटिव होता हुआ हमें फिर नज़र आता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन है, 41 रुपीज़ की इसकी भी वैल्यूएशन हुआ करती थी। ऑब्वियसली ये वीडियोस थोड़ी सी लेंदी होती हैं, बट आपको फंडामेंटल टेक्निकल बताने का मकसद ये है कि आप इसी हिसाब से जो अपडेटेड रहें सेक्टर के मोमेंटम के और जो सेक्टर का जो हिसाब किताब है उसे आप अपडेट रहें, ताकि इन फ्यूचर अगर आप इस सेक्टर में और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं अच्छी न्यूज़ आने के ऊपर तो आपको पता हो कि इनके जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स क्या हैं। ये एक और शेयर है लाल पीर पावर, एंड ब्रॉडली ये सेक्टर है जो KMI में नहीं आता, शरिया बेस नहीं आता, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इनके पास कर्जे इतने हैं कि ये शरिया में काउंट हो ही नहीं सकते, इसी वजह से ये शरिया कंप्लाइंट जो है वो सेक्टर नहीं है। लाल पीर की बात कर लें तो क्वार्टरली बेसिस पे जो है इसका हिसाब किताब काफ़ी बेहतर हमें नज़र आता है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ हम देख सकते हैं क्लोज टू 11% पॉजिटिव है, सेल्स ग्रोथ 22% माइनस में है, बट ये कि एनुअल बेसिस पे अगर नज़र डालें तो एनुअल बेसिस पे बाकी कंपनी से थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस इसकी नज़र आने शुरू हो गई है, और वॉल्यूम भी हम देख सकते हैं 260,000 का वॉल्यूम है, 17.40 रुपीज़ के सब शेयर प्राइस अवेलेबल है मार्केट में। हाईएस्ट बात करें तो तकरीबन 2016-17 में अगर हम बात करें तो 25-26 रुपीज़ तक हाईएस्ट गया है, तो ये कि उस हिसाब से इसके अंदर अभी हम मोमेंटम देख सकते हैं। टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली हम देख सकते हैं लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है, लेकिन रिसेंटली अभी इसने तकरीबन अगर हम बात करें इसकी एक डेट की तो हम देख सकते हैं 15 अक्टूबर जो नीचे डेट आप देख सकते हैं 2020 रिसेंटली इट ब्रोक दैट डाउन ट्रेंड मोमेंटम, उसके बाद पॉजिटिव मोमेंटम हमने शूट देखा, इट वेंट अप टू अराउंड 17-19 रुपीज़ का हाई बनाया, उसके बाद हम दोबारा डिक्लाइन देख सकते हैं, बट अभी जो इसके अंदर मोमेंटम है वो आप ये देख सकते हैं कि जो इसकी सप्लाई और डिमांड लाइन्स है यहाँ से इसकी जो है वो डिमांड शुरू हुई है और शेयर प्राइस की इंक्रीज हमने देखा, तो डेली बेसिस पे ये पैराबॉलिक आप देख सकते हैं छोटा सा जो है वो अप साइड पे बनता हुआ नजर आ रहा है, विच इंडिकेट्स कि ये तकरीबन 17-18 रुपये का बैरियर तोड़ के दोबारा 19 रुपये और उसके ऊपर जो है वो ट्रेंड करने की कोशिश कर सकता है, और अगर हम इसके डेली बेसिस में इंडिकेशन की बात करें तो पॉजिटिव मोमेंटम में आ रहे, तो अगर आप ऑब्वियसली एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं तो ये एक स्क्रिप्ट ऐसा है जो कि अगर स्मॉल टर्म शॉर्ट टर्म जो है ट्रेडर्स हैं और जिनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या एक जो है अच्छे शेयर प्राइस की इसकी वैल्यूएशन हमें नज़र आ रही है, और जो इसकी ट्रेडिंग है वो भी 200 डेज से मूविंग एवरेज से ऊपर है, विच इंडिकेट्स कि इसका जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव है। पाक जन पावर की बात करें, पी के जी पी
और इसके भी फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है पाक जैन पावर। 27 रुपीज़ की शेयर प्राइस है इसकी, और अभी रिसेंटली इसने अपने हिस्ट्री का हाई बनाया था क्लोज टू 30 रुपीज़ मार्क, और दोबारा जो है उसके ऊपर जाते हुए हम देख सकते हैं। क्वार्टरली बेसिस पे हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न है। एनुअल बेसिस पे बात करें तो एनुअल बेसिस पे भी 11.86 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर का इसमें रिटर्न है। टेक्निकल बात कर लें तो टेक्निकल भी हम देख सकते हैं, टेक्निकल भी सिमिलर सिचुएशन है। इसने भी जो अपना डाउन ट्रेंड रिसेंटली इसने तोड़ा है, और तोड़ने के बाद हम देख सकते हैं कि तकरीबन ये कि 31 रुपीज़ 31-32 रुपीज़ का इसने हाई बनाया था, और हिस्टोरिकल हाई जो है वो 34-35 रुपीज़ पे इसका नज़र आता है। ये अच्छी बात है कि इट इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग अबव 200 डेज मूविंग एवरेज, और 200 डेज मूविंग एवरेज पे मैंने जिस तरह आपको बताया कि मार्केट जब भी और शेयर प्राइस जब भी उसके 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करती रहती है तो वो पॉजिटिव रहती है, और इसकी हम इस वक्त राइज जो देख सकते हैं वो इसी वजह से कि इट इज़ ट्रेडिंग अबव 200 डेज मूविंग एवरेज। सपोर्ट लेवल्स हैं 26 रुपये से लेकर 24 रुपये तक नीचे इसके सपोर्ट लेवल्स हैं, बट ये कि जो रेजिस्टेंस है इसकी 31 रुपये की रेजिस्टेंस है, अगर किसी ने उसको होल्ड किया हुआ है तो 31 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग आना शुरू होती है तो ऑब्वियसली 34 रुपीज़ का मार्क है वो उसको टेस्ट कर सकता है। अब बात कर लें ऑब्वियसली बड़ी कंपनीज की, जो तीन नाम ऐसे हैं जो कि मेजॉरिटी मार्केट में जो है इनके बारे में बातचीत की जाती है, दैट इज हबको, हबको कैपको एंड ऑब्वियसली के इलेक्ट्रिक। तो हबको की हम बात कर सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट जैसे जैसे सर्कुलर डेप्थ के इश्यूज इनके ख़त्म होते जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर इन कंपनीज के शेयर प्राइस भी इंक्रीज आएगा। क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर इनके अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट करेंगे। 1.9 मिलियन की वॉल्यूम आज के दिन हम देख सकते हैं, एंड 83.50 रुपीज़ पे ये ट्रेड करा। अगर हिस्टोरिकल हाई की अगर हम बात करें सो इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 139-140 रुपीज़, सो काफ़ी ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल इसके अंदर नज़र आता है। टेक्निकली अगर हम देखें एच यू बी सी को, तो टेक्निकली इसने जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जो है ट्रेड करना अब शुरू कर दिया है, विच इंडिकेट्स के इसका भी मोमेंटम अब ऐसा ऐसा पॉजिटिव है। बट 103 रुपीज़ का मार्क इसने रिसेंटली टच किया था इन द मंथ ऑफ जैन, तो उसको सबसे पहले टारगेट करेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो ऑब्वियसली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो तकरीबन अप एंड अबव 150 रुपीज़ तक इसके टारगेट्स देख सकते हैं। बट कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है, फंडामेंटल न्यूज़ आते रहें, पॉजिटिव आते रहें तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हर चीज़ फंडामेंटल टेक्निकल दोनों एनालिसिस करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैपको की बात कर लें, कैपको भी टेक्निकल भी अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली फंडामेंटली तो हम देख सकते हैं 42 रुपीज़ पे इसकी वैल्यूएशन है। टेक्निकली बात करें तो कैपको ने भी रिसेंटली जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है, और हम देख सकते हैं डिक्लाइन हमने देखा 82 रुपीज़ से, 77 रुपीज़ से, 57 रुपीज़, क्योंकि उस 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई और कंटिन्यूस डिक्लाइन देखा अंटिल रिसेंटली, जो इसने तकरीबन जुलाई के मंथ से जो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड करना शुरू किया, तो हम देख सकते हैं कि इसका जो जो ट्रेजिक्ट्री है वो पॉजिटिव है, जो इसका इस डायरेक्शन है वो भी पॉजिटिव है, और 45 रुपीज़ पे इसकी रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली 50 रुपीज़ 55 से 57 रुपीज़ तक नेक्स्ट टारगेट ये कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये भी एक कंपनी है जिसके काफ़ी टाइम से बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके पीछे पड़ी हैं, जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑब्वियसली, सिंध में अगर हम बात करें तो सोल डिस्ट्रीब्यूटर है के इलेक्ट्रिक। इसकी शेयर प्राइस कंसिडरिंग बाकी जितने इस सेक्टर में कंपनीज हैं उनकी शेयर प्राइस से अगर हम डिफरेंस करें तो काफ़ी सस्ता है इस वक्त के इलेक्ट्रिक के शेयर अवेलेबल है मार्केट में, इसी वजह से हमने रिसेंटली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वॉल्यूम जनरेट होते हुए भी देखा। सो 4.80 पे रेजिस्टेंस है, 6 रुपये 7 रुपये तक अच्छी न्यूज़ आती हैं तो ये जा सकता है। उसके बाद अगर हिस्टोरिकल हाई की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल हाई में भी हम देख सकते हैं कि क्लोज टू 10 रुपीज़ तक का ही इसका मार्क है, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर शेयर प्राइस की इंक्रीज़ हमें नज़र नहीं आती अनलेस एंड अनटिल जब तक इसके जो इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व हों। पे शंघाई अगर आता है वो इन्वेस्टमेंट करता है, पे सऊदी टाइकून की न्यूज़ आई थी, अगर वो भी इसमें अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं हिसाब किताब क्लियर करते हैं तो फिर इट कैन गो अप एंड अबव 10 रुपीज़ एंड बियॉन्ड। सो द मेन इशू अगेन ये सर्कुलर डेप्थ का इशू है, दिस इज़ द मेन कॉज के जो मार्केट में इनकी शेयर प्राइस में कंपनीज के उसमें जो डिक्लाइन है उसी वजह से कि ये जो हिसाब किताब हैं जब कर्जे वगैरह ऐसे एक साथ ख़त्म नहीं होंगे, ऑब्वियसली कर्ज़ों को भी ख़त्म करने में टाइम लगेगा, बट ये कि होपफुली ये कि ऐसे से इनके इश्यूज़ ख़त्म हो ताकि ये सेक्टर जो है वो अपने दोबारा जो है वो अपने आप को रिवाइव करे, रिवाइव करने के बाद ऑब्वियसली इकॉनमी में भी जो है वो हेल्प करे। सो दिस वॉज द सेक्टर इन रिव्यू, पावर सेक्टर। उम्मीद है जो जितनी भी आपकी क्वारीज हैं, जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है वो इस सेक्टर इन रिव्यू में
क्लियर हो गई होंगी। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेक्टर इंटरव्यू के साथ। दिस इज मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।